Assalamu alaikum. So this is one of the important topic today. In last lecture we did myopia, and today we are going to discuss hyperopia or hypermetropia. क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, पेशेंट क्या बोलेगा, सब आज सीख के जाना है. मेन जो रिफ्रैक्टिव एरर्स थे उसमें से हाइपरोपिया. मायोपिया में अगर आपको याद हो कि रेज जो थी पैरेलल रेज वर कमिंग फ्रॉम कॉर्निया से होती हुई, लेंस से होती हुई इन फ्रंट ऑफ द सेंसरी रेटिना फोकस हो रही थी, ठीक है ना. ये रिफ्रैक्टिव एरर, इसको मायोपिया बोल रहे थे. हाइपरोपिया में क्या हो रहा है, रेज आ रही हैं लेकिन आईबॉल छोटा होने की वजह से रेज पीछे चली गई. उसमें आगे बन रही थी, आईबॉल बड़ा था, इसमें पीछे चली गई. अब हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया को फार साइटेडनेस बोल रहे हैं. मायोपिया को बोल रहे थे नियर साइटेड, यानी उनकी नियर की ठीक थी, नियर साइट ठीक थी, दूर का मसला था. इधर है फार साइट, यानी फार साइट ठीक है, नियर का मसला है, उल्टा है, ठीक है ना. पेशेंट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, ये समझने वाली बात है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. चलो अंकल की बात सुनते हैं, व्हाट ही इज सेइंग. Here, light rays are focused behind the retina instead of on it. Distant objects will look clear, but close objects will appear blurred. Okay, अब ये चीज समझने वाली थी कि इमेज ब्लर क्यों हो रहा है हाइपरोपिया में. रेस कमिंग फ्रॉम कॉर्निया, 70% रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो रही थी, 30% लेंस पे हो रही थी. इन दोनों ऑप्टिकल मीडियम को क्रॉस करते हुए रेटिना के पीछे चला गया, ठीक है ना. अब इसको समझते हैं क्या वजह हो सकती है कि रेटिना के पीछे चला जाए. या तो एक्सियल लेंथ, आई बॉल शॉर्टर देन द नॉर्मल, ठीक है ना, या रिफ्रैक्टिव पावर, फ्लैट कॉर्निया हो, ठीक है ना, कर्वेचर उसका फ्लैट हो या लेंस का फ्लैट हो. रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आईज टू वीक, इसको बोलते हैं कर्वेचर हाइपरोपिया. फिर है इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स लेंथ, लेंटिकुलर कोई प्रॉब्लम है. फिर वेदर या फिर ऑप्टिकल सिस्टम, दो ही हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रही थी, एक तो कॉर्निया और दूसरा लेंस, इन दोनों में प्रॉब्लम हो. या फिर लॉस ऑफ अकोमोडेशन, वो हम प्रेस पेपर में पढ़ेंगे. व्हाट इज एफेकिया, वो भी हम आगे चल के डिटेल में कर रहे हैं. तो मेन जो है वो एक्सियल लेंथ, यानी नॉर्मल आपका आई बॉल साइज फॉर एग्जांपल 24 मिलीमीटर होता है, तो इनका 21 मिलीमीटर, आई बॉल छोटा है, ठीक है ना. मायोपिया में क्या था, आई बॉल वॉज लार्जर देन नॉर्मल लेंथ. अब ये इनकी क्लासिफिकेशन है, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. हाइपरमेट्रोपिया मेनली दो हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट. लेटेंट मीन्स छुपा हुआ, ठीक है ना. ये छुपा हुआ क्या है उसको अब देखते हैं, और मैनिफेस्ट क्या है उसको देखते हैं. ओवरकम फिजियोलॉजिकली बाय टोन ऑफ सिलरी मसल. बच्चा क्या करता है, 8 साल से कम उम्र का बच्चा, उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, लेकिन वो अपने सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, उस इमेज को फोकस करके सेंसरी रेटिना पे फोकस कर देता है, ठीक है ना. एक डायप्टर तक का वो फोकस कर सकता है लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, उसके अलावा नहीं कर सकता. अच्छा, इसको हम पकड़ते कैसे कि इसको लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है. वी पुट साइक्लोप्लेजिया ड्रॉप्स, ठीक है ना, एट्रोपिन डाल के उसको हम देखते हैं कि इसको कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है. फिर है मैनिफेस्ट, यानी जाहिर होता है, ठीक है ना. फैकल्टेटिव कैन बी ओवरकम बाय एफर्ट ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है ना, ये इसको अकोमोडेशन के जरिए उसको ओवरकम कर सकते हैं. एब्सोल्यूट ना अकोमोडेशन ना कुछ, वो 8 साल के बाद जो भी बच्चा आएगा उसका हम पकड़ लेंगे कि भाई इसको मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया है, वो भी एब्सोल्यूट टाइप है.
प्रिविलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं है इसमें, लेकिन हाइपरोपिया इज मोर कॉमन इन फीमेल्स. व्हाट विल बी द साइंस? ठीक है ना, साइंस विल बी मियोटिक पीपल. इजोफोरिया, इजो मीन्स इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई, ठीक है ना, फोरिया मीन्स छुपा हुआ. ये आप स्क्विंट के चैप्टर में इसको क्लियरली डिस्कस करेंगे और समझेंगे. पर डिक्रीज्ड विजुअल एक्विटी एट द डिस्टेंस एंड द नियर, स्पेशली एट द लेटर, ठीक है ना, दोनों की. और समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिप्लोपिया, डबल विजन. क्यों? क्योंकि दोनों आँखों के, एनिसोमेट्रोपिया में दोनों आँखों के रिफ्रैक्टिव पावर में अगर डिफरेंस हो, उसको एनिसोमेट्रोपिया बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्लोपिया हो सकता है. सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स विल बी ऑक्यूलर फटीग, एस्थीनोपिया जिसको बोलते हैं. क्या होता है? आँख साफ देखना चाह रही है, अपने सेलुलरी मसल को वो फोकस करेगी हर तरह से साफ देख, लेकिन साफ देख नहीं पा रही, जिसकी वजह से फटीग होगी. फटीग की वजह से फ्रंटल हेडेक होगा, ठीक है ना. क्या होता है? इनिशियली स्कूल से कंप्लेन आते कि भाई आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है. हम यहाँ घर में देख रहे होते हैं, भाई बच्चा तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, सारा दिन फेसबुक पे बैठा गेम खेल रहा है, पढ़ने में क्यों कमज़ोर है? पढ़ता भी है, अपना होमवर्क करता है. अब फिर उससे कहते हैं कि भाई इसकी आईसाइट चेक करवाओ, तो उसको नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लरी नज़र आते हैं, सही दिखते नहीं है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है. और कभी कभी वो डी उसको बी नज़र आता है, या इस तरह से लेटर मिसजज कर लेता है. तो फिर उसकी जब रिफ्रैक्शन करते हो आप लोग, और फिर उसका रिफ्रैक्टिव पावर आता है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है. क्या मैनेजमेंट होगी? मायोपिया में आप लोग दे रहे थे कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉनवेक्स लेंस, या कन्वर्जिंग लेंस या कॉनवेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है. वही ऑप्टिकल ट्रीटमेंट सेम रहेगी, ग्लासेस दोगे, कॉन्टेक्ट लेंस दोगे, और तीसरा ऑप्शन रिफ्रैक्टिव सर्जरी का होता है. अब इसको थोड़ा समझते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा. ऊपर वाली पिक्चर अगर आप गौर से देखो कि रेज आ रही हैं, गोज बिहाइंड द सेंसरी रेटिना. हमें इनको सेंसरी रेटिना पे फोकस करवाना है. जैसे ही हमने इसको कॉन्वेक्स लेंस आगे रख दिया स्पेक्टिकल्स के ज़रिए या कॉन्टेक्ट लेंस के ज़रिए, तो ये क्या करेगा? फोकस करेगा आपका सेंसरी रेटिना पे. सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर कोई पूछे तो वही फेकिक इंट्राओकुलर लेंस है, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोप्लास्टी, लेजिक, वही जो आपकी मायोपिया की ट्रीटमेंट थी वही इसमें है, ठीक है ना. अब इसको थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरोपिया. Meaning that merges out light rays that have been refracted through.
Let us see in brief. Okay, this chart is very much important for the exam point of view. Aapke kafi MCQs or theory questions isme se nikalte hain. What is the differences between these two refractive errors, myopia and hyperopia? Okay, ye aapko yaad karne honge aur almost humne discuss kar liye hain. Theek hai na? Ek aur term hai aphakia. Aphakia, A means absence or phakia means lens, absence of lens. ये कौन सी कंडीशंस में होते हैं ये देखना होगा हमें. एक तो हम सर्जिकली रिमूव कर दें लेंस, कब करते हैं? एक तो जब कैटरेक्ट हो जाए तब करते हैं, ये आप कैटरेक्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे जाके. और दूसरा, बच्चों में जब कैटरेक्ट हो जाए तो उनको हम 2 साल तक एफेकिक रखते हैं. एफेकिया यहाँ क्यों डिस्कस हो रहा है? बिकॉज इसमें भी प्लस के लेंस लगेंगे. वो क्यों लगेंगे अगली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं. दूसरा कॉज ऑफ एफेकिया इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर. ट्रॉमा की वजह से परफोरेशन इंजरी होगी, कॉजेस रप्चर ऑफ द एंटीरियर कैप्सूल एंड सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द लेंस मैटर. ठीक है, ट्रॉमा हुआ, एंटीरियर कैप्सूल रप्चर हुआ, लेंस मटीरियल सारा इसी में आ गया और वहाँ एब्जॉर्ब हो गया, तो उसकी वजह से भी एफेकिक इफेक्ट आता है. फिर है हाइपरमैच्योर, यानी बिल्कुल पक्का कैटरक्ट जो है ना, उसमें क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है और सिर्फ कैप्सूल जाके बैठता है, बाकी जो भी लेंस प्रोटीन्स हैं वो सब डिसॉल्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी एफेकिक इफेक्ट आते हैं. एफेकी करेक्शन क्या होगी? वही आप प्लस का लेंस दोगे. क्यों देते हो? क्योंकि कॉर्निया टोटल आँख का डायप्टर जो है, डायप्टिक पावर जो है वो 59 है, जिसमें से 43 इज कमिंग फ्रॉम कॉर्निया एंड 16 फ्रॉम द लेंस. तो लेंस तो रिमूव हो गया, एफेकिया हो गया, यानी उसको 16 डायप्टर्स की करेक्शन आपने देनी है. तो इसको आप फिर प्लस 10 से ऊपर का नंबर देंगे ताकि वो एडजस्ट कर सके. और फोकस जो है, जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा कि फोकस आके रेटिना पे फोकस हो. तो रिवाइज कर लेते हैं, ये मायोपिया है. मायोपिया में क्या हो रहा है? मायोपिया को बोलते हैं, क्यों मायोपिया बोल रहे हैं, इसको हम फार साइटेडनेस बोल रहे हैं, सॉरी नियर साइटेडनेस बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? नियर इनके ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, फार ये जो बैट है ये दूर से इनको नजर नहीं आ रहा. फार साइटेड, ठीक है ना, फार साइट दूर की अच्छी नहीं, दूर की खराब, सॉरी नियर साइटेडनेस. दोबारा से रिपीट कर लो ताकि समझ आ जाए. मायोपिया में, मायोपिया का अदर नेम जो है वो है नियर साइटेडनेस. नियर साइट ठीक है, दूर का नजर नहीं आ रहा, ये बैट नजर नहीं आ रहा, ठीक है. और हाइपरोपिया में क्या हो रहा है? नियर का नजर नहीं आ रहा, दूर का उल्टा है. फोकस क्यों? इस वीडियो को दोबारा से एक दफा समझ लेते हैं. इमेज इन फ्रंट में बन रहा है, इनको क्या मसला हो रहा है? दूर से नजर नहीं आ रहा. In this case, people can see close objects clearly, but the objects which are farther away are blurred. Close object clear है, यानी near sightedness है, ठीक है ना. मायोपिया को अदर वर्ड में near sightedness क्यों कह रहे हैं? क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियर हैं, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है. तो फिर इनका फिर इलाज क्या बताया आपने? इनको कॉनकेव लेंस बोलते हो. That
अब कॉनकेव लेंस की वजह से जो इमेज सेंसरी रेटिना से पहले बन रहा था, कॉनकेव लेंस लगाने की वजह से यानी माइनस लेंस लगाने की वजह से ऑन द सेंसरी रेटिना इमेज फॉर्म हो गया और आपको नजर आना शुरू हो गया। हाइपरोपिया में क्या हो रहा है? हाइपरोपिया में इमेज जो है इट्स फॉर्मिंग बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक हाइपरोपिया एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवर्ड विद एस्टिगमेटिज्म। ठीक है ना, तो उसमें ये अक्सर हाइपरोपिया और मायोपिया के बाद ये मिरर इफेक्ट आ रहा है या आप लोगों की शक्ल इस तरह की हो गई है, कोई घबराने की बात नहीं। कोशिश करेंगे जितना इजी से इजी टॉपिक को बता सकें और आपको समझा सकें। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।